आप लोगों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम लोग जा रहे हैं संजय प्लेस में बना हुआ जनकपुरी का जनक महल को देखने के लिए। आज 9 अक्टूबर है और इस समय रात के लगभग 10 बजने को है। और आप लोग देख सकते हैं इस समय हम लोग गुजर रहे हैं संजय प्लेस की LIC बिल्डिंग वाली लेन से। सीधे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइटिंग आप लोगों को दिखाई देंगी। लेफ्ट और राइट साइड में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं, सभी बिल्डिंग्स पे, लगभग लगभग सारी ही बिल्डिंग्स पे लाइटिंग की गई है। और देखने में संजय प्लेस, यदि आप इस समय देखें तो आपको लगेगा संजय प्लेस जो है ना आकर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग और पूरा माहौल इस वक्त श्री राम की भक्ति से परिपूर्ण है। देखिए किस तरह से लगभग सारी ही बिल्डिंग्स पर लाइटिंग की गई है, यहाँ तक के पेड़ों पर भी लाइटिंग की गई है। और लाउड स्पीकर पर राम भक्ति के जो गीत और संगीत बज रहा है, इस कारण पूरा वातावरण बन पड़ा है। काफी भीड़ है, ये देखिए ऊपर भी किस तरह से लाइटिंग की गई है। आज जबकि 9 अक्टूबर है, कल से यानी कि 10 अक्टूबर से राम बारात का पहला दिन होगा, जबकि आज से ही इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ये जनकपुरी बना हुआ। और इस समय ये सामने देखिए पहले आप लोग आहार रेस्टोरेंट, अब हम लोग आ रेस्टोरेंट की ओर से होते हुए कंप्यूटर वाली गली से निकलते हुए हम लोग जनक महल के पीछे की ओर से जाएंगे। आप लोग देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाइटिंग। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की जनकपुरी काफी सुंदर और काफी आकर्षक बनी है। और भीड़ भाड़ और चहल पहल भी चारों तरफ काफ़ी है, जबकि जनकपुरी को कल से स्टार्ट होना है। ये देखिए कंप्यूटर वाली मार्केट देख रहे हैं कितनी सुंदर बनी हुई है। और अब हम लोग राइट साइड की ओर पे मुड़ेंगे तो जहाँ ये जनक महल बना है पुलिस चौकी के बगल में, उसके पीछे की ओर से हम लोग होते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे। ये देखिए ये सामने देख रहे हैं, ये जनक महल का बैक साइड है। अब ये ग्रीन ग्रीन आप लोग देख रहे होंगे, ये अब इसको पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। ये देखिए हम पीछे की ओर से होते जा रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ है क्योंकि ये आगरा का मेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होने के कारण यहाँ वैसे भी नॉर्मल डेज में भी काफी भीड़ रहती है। ये देखिए कपड़ा लगा रहे हैं ये लोग, अब इसको और अच्छी तरीके से पीछे से कवर कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे से राइट की ओर मुड़ेंगे तो हम लोग फ्रंट साइड की ओर आएंगे। ये देखिए सामने कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है, काफ़ी भीड़ है, बहुत ही इतनी भीड़ है कि आप समझ लीजिए पैदल चलना भी यहाँ पर इस समय मुश्किल ही हो रहा है। ये एक छोटा सा गेट है ये जनक महल का अंदर की ओर से। अभी हम लोग सामने चलेंगे आगे फ्रंट साइड की ओर तो आपको काफी खूबसूरत नजर आएगा। लगभग 10,000 पुलिसकर्मी जो हैं आगरा की राम बारात, जो 5 दिवसीय राम बारात है, उसमें ट्रैफिक और सिक्योरिटी वगैरह के लिए लगाए गए हैं। ये देखिए ये सामने ये मेन रोड आ गई और यहाँ से हम जनक महल के फ्रंट साइड की ओर आएंगे। ये देखिए अब हम लोग फ्रंट साइड की ओर आ चुके हैं और ये सामने की ओर आकर अभी आप लोगों को थोड़ा सा आगे चल कर और साफ साफ दिखाई देगा ये जनक महल।
और ये सामने देखिए आप, अब देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस वक्त जो जनक महल बनाया गया है वो अयोध्या के राम मंदिर के थीम पे बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए जयपुर से काफ़ी एक्सपर्ट जो हैं कारीगर यहाँ बुलाए गए थे। काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य, बहुत ही आकर्षक बनाया इस बार जनक महल। कल जब 10 अक्टूबर को पहला दिन हुआ तो और भी अधिक सुंदर दिखाई देगा, और संजय प्लेस में शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिस पर के खूबसूरती के साथ लाइटिंग ना की गई हो। ये देखिए आप, और ये है वो पार्किंग जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, मल्टी स्टोरी पार्किंग, और ये अब स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ऊपर भी कारें नजर आएंगी। और अभी पहले हम लोग देखते हैं ये जनक महल, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी रौनक है, और जितने भी लोग हैं सभी के चेहरों पर खुशी और उत्साह के भाव आप लोगों के साथ सब दिया। पिछले साल की जो रामपुरा थी तीन दिन, तो इस बार जो है रामपुरा तीन दिनों के ना होकर 5 दिनों की होगी, यानी कि 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को। ये देखिए वगैरह के ऊपर ये जो आर्टिस्टिक से बनाया गया है, आप लोग भी आइए अगर आप लोग आ सकते हैं तो। संजय प्लेस तो वैसे भी लगभग सभी लोगों को पास ही पड़ेगा, आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, ख़ास तौर पर तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सामने लोगों ने झांकी बनाई है शेषनाग का, जो समुद्र से अमृत निकाला गया था उसके मंथन का। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बहुत जगह की अब तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और आगे चल कर कोशिश करता हूँ। एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस जो है लंबा नहीं नाग है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर बनी हुई है। मंथन द्वारा अमृत निकाल रहे हैं, ये देखिए अभी थोड़ा सा और आप ये देख रहे हैं गोल गोल ये खड़ा जैसा बनाया है इन्होंने, ये अमृत का कलश, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। तो ये था आज का 9 अक्टूबर का आगरा के रामबरात का संजय प्लेस में एक झलक का वीडियो। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, आपका मोटिवेशन ही मुझे और बेहतर वीडियो लाने को प्रेरित करेगा।